सफ़र की हद है जहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चलो चले जहाँ तक कि ये आजमा रहे। ये क्या उठी कदम और मंजिल आ गई, ये मंजिल नहीं पड़ाव है बस इतना याद रहे। प्यारे बच्चों, आपका फुलवारी में प्रतिभाग करना, नित नए कार्यों को सीख कर हमारे साथ साझा करना अत्यंत प्रशंसनीय है। बधाई के पात्र हैं वो सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं जिनके सहयोग के बिना ये फुलवारी अधूरी थी। आपने इस कार्यक्रम को अपने बच्चों तक पहुंचाकर बच्चों को प्रतिदिन प्रेरित और प्रोत्साहित किया कुछ न सीखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावक जिनके सहयोग से हमेशा ये फुलवारी के नन्हे फूल खिलाते रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ बाहर व्यक्त करती हूँ अपने विशेषज्ञों का जिनके सहयोग के बिना ये फुलवारी कभी ना महक पाती। आपने हमारे बच्चों के जीवन कौशलों के विकास हेतु जो सहयोग किया है, आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हमारे बच्चों के लिए आपका ये स्नेह और सहयोग बना रहेगा। आज हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय डाइट प्राचार्य सर श्री दिनेश सिंह जी और हमारे ब्लॉक पुरातनगर के नव आगंतुक बीओ श्री दीपक कुमार जी। आपका फुलवारी में आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रोत्साहन हमेशा हम में नई ऊर्जा का संचार करता है और हम वचनबद्ध होते हैं अपने विद्यालयों में कुछ नया करने के लिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अपने डाइट प्राचार्य श्री दिनेश सिंह जी और बीओ सर श्री दीपक कुमार जी। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारे जनपद गाजियाबाद में बच्चों हेतु एक ऑनलाइन समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका कि नाम कैंप फुलवारी रखा गया। फुलवारी कैंप के माध्यम से जिला गाजियाबाद के सभी शिक्षक साथियों के द्वारा बच्चों में विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल विकसित करने का सराहनीय प्रयास किया गया। बच्चों की जीवन शैली में जीवन कौशल कैंप के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ जीवन के अन्य कौशल को भी विकसित करने में सहायता मिली। यह एक सराहनीय प्रयास है। भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होने चाहिए। समर कैंप फुलवारी के आयोजनकर्ता सभी शिक्षक साथियों को मैं इस कैंप के सफल समापन के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि प्राथमिक विद्यालय उखलारसी नंबर 1, प्राथमिक विद्यालय नबीपुर और प्राथमिक विद्यालय अजायापुर मंगावली की शिक्षिकाएँ सुमन आवृत्ति अग्रवाल, काजल शर्मा व अन्य अनेक शिक्षिकाओं ने मिलकर समर कैंप फुलवारी का आयोजन दिनांक 10/6/2021 से किया है। फुलवारी के माध्यम से बच्चों को योगा, गार्डनिंग, कुकिंग, व्यक्तित्व निर्माण, राइटिंग, क्राफ्ट, ड्राइंग आदि सिखाया गया है। इससे बच्चों में सृजनात्मक क्षमता के साथ साथ जीवन कौशल का भी विकास हुआ है। इस कार्यक्रम की जो उल्लेखनीय बात ये रही है कि इस कार्यक्रम को जन सहयोग बहुत अच्छा मिला है। इसमें अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रतिदिन निर्माण संबंधी वीडियो बनाकर बच्चों के साथ शेयर किया जाता था, जिसका अनुसरण करके बच्चे उस सामग्री का निर्माण करते थे और ही बहुत ही अच्छी अच्छी सामग्री बच्चों ने बनाई है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए ये सभी शिक्षिकाएं बधाई की पात्र हैं और मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर के, मंजिल तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। और हमारी ख्वाहिशें तो बच्चों आपके भावी जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हमारी ख्वाहिशें न थकेगी, न रुकेगी और न ही विश्राम लेंगी। बस एक वर्ष का ठहराव है, उसके बाद पुनः एक नई उमंग और तरंग के साथ एक नए रूप में फुलवारी लेकर हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। फुलवारी द ऑनलाइन समर कैंप में रुचि रखने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों का स्नेह, प्यार व सान्निध्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए टीम फुलवारी आपका हार्दिक आभार प्रकट करती है। आप सभी ने हमारी इस फुलवारी के फूलों को पल्लवित किया है।
इसीलिए तो मात्र 3 विद्यालयों से शुरू होकर यह फुलवारी आज जिले के सभी ब्लॉक के अधिकांश बच्चों तक पहुंची है। इसके लिए हम आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। चलिए अब चलते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर। वह है एक कथक नृत्य जिसको परफॉर्म करने जा रही है एक नन्ही सी कथक नृत्यांगना रिद्धि खट्टर। रिद्धि खट्टर एसोसिएटेड है बिरजू महाराज नृत्यशाला से। 2016 में पंडित रविशंकर जी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, रिद्धि खट्टर उन भाग्यशाली कलाकारों में से एक थी जिसे स्वयं बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफ किया था। और ये हमारे लिए फक्र की बात है कि आज ऐसी कलाकार हमारे मध्य अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हुई है। चलिए चलते हैं और रिद्धि खट्टर की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो चलिए बच्चों, फुलवारी द ऑनलाइन समर कैंप की इस वर्ष के इस सत्र के उपरांत मैं काजल शर्मा, प्राथमिक विद्यालय उखलारसी प्रथम मुरादनगर गाजियाबाद, अपनी फुलवारी टीम के साथ इस सत्र के लिए विराम लेती हूँ। पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले वर्ष एक नई फुलवारी में, आपकी अपनी फुलवारी में। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, योग्य बनिए। ये उनके पर बोलते हैं, कुछ लोग रहते हैं खामोश मगर उनके हुनर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, फुलवारी समर कैंप में आपने बहुत से हुनर सीखे और जीवन कौशलों का विकास किया। तो अब इस समर यह समर कैंप समाप्ति की ओर है और आज की इस क्लोजिंग सेरेमनी में
मैं आवृत्ति अग्रवाल, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय नवीपुर, मुरादनगर, गाजियाबाद, अपने आदरणीय अतिथिगण श्री दीपक कुमार जी, खंड शिक्षा अधिकारी मुरादनगर, एवं श्री दिनेश सिंह जी, डाइट प्राचार्य गाजियाबाद, का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे फुलवारी समर कैंप के बच्चों का हौसला बढ़ाया है और हमें सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो बच्चों, जो भी हमने इस समर कैंप में जीवन कौशल सीखे हैं, उनका प्रयोग हम अपने जीवन में करते रहेंगे, और साथ ही हम जो दूरदर्शन पर वीडियो आ रही हैं और ई पाठशाला के जो वीडियोस आ रही हैं, उनके संग हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। घर पे ही रहकर हम अपनी पढ़ाई करेंगे और घर में स्वस्थ रहकर सुरक्षित रहें। साथ ही मैं विभिन्न स्कूल की प्रधानाध्यापिका और शिक्षिकाओं एवं बच्चों के अभिभावकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन बच्चों ने समर कैंप में पूरे उत्साह से प्रतिभाग किया। धन्यवाद।